दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। आज हम गहराई से जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम को। लोग जैसा समझते हैं, जैसा मानते हैं, ये उससे भी बहुत आगे है। इसे आसानी से समझाने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे तरीके समझाए गए हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमय होती है, बहुत जादुई सी लगती है, तो लोगों को उस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब धर्म की बात आती है, जब ईश्वर की बात आती है, तो लोग इस पर संदेह करते हैं। यह रहस्य खुद को एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करता है। आज हम आपको इसी रहस्य के वो राज बताने जा रहे हैं, जिनसे हिमालय में रहने वाले योगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं। वो उस दिव्य शक्ति से कनेक्टेड है जहां तक कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रहस्य जानकर आप में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं और कुछ सचमुच इस पर विश्वास कर अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि हम उस डिवाइन पावर से, उस दिव्य शक्ति से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं या भगवान से कैसे बात कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूं उसे मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। लेकिन जब आप इन सब के बीच एक संबंध फाइंड करते हैं, एक रिलेशन फाइंड करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके और ब्रह्मांड के बीच, या आपके और ईश्वर के बीच, या उस शक्ति के बीच जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, आप इस शक्ति को जो कहना चाहें, इस दृष्टि को बनाने वाले निर्माता के बीच, बेशक आप लॉजिकल या नॉन लॉजिकल किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सबको एक शक्ति ने बनाया है। कोई तो है जो हम सबका क्रिएटर है। इसी शक्ति ने सब कुछ बनाया है आपको, हमें, हम सबको, हमारे आसपास की हर चीज को बनाया है। और अगर वो चीज मौजूद है जिसे हम चाहें अपना परम पिता परमेश्वर, कहीं ईश्वर, कहीं आप इस शक्ति को जो चाहे पुकारें, लेकिन यह शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि ये हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। ये हमारी हर काम, हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। ये हमेशा हमें देख रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए अपनी इंटेंशन सेट करते हैं, अपनी इरादे मजबूत करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को विजुअलाइज करते हैं ताकि वो आपकी जिंदगी में साकार हो। फिर चाहे वो विजुअलाइजेशन आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके पैसों को मैनिफेस्ट करना हो, प्यार को मैनिफेस्ट करना हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप उसे विजुअलाइज करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी बात सुनता है। बहुत कम समय में बहुत से लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है। वो सब कुछ पाया है जो भी वो अपनी जिंदगी में चाहते थे, अपने सपनों को पूरा किया है, अपने एम को हासिल किया है, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पाया है, अपने जीवन में अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से चमत्कार होते देखे हैं। सभी अलग अलग चीजों को पाने में वो लोग सफल हुए हैं। लेकिन यह केवल उनके बारे में नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब यह व्यक्तिगत शक्ति एक सामूहिक कोशिश में बदलती है, यानी जब एक इंसान से शुरू हुई इस शक्ति का इस्तेमाल अलग अलग लोगों द्वारा किए गए प्रयास 100 से कनेक्ट है, आप समझ जाते हैं कि आखिर यह शक्ति उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति से कैसे कनेक्ट होकर काम करती है। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, सिंगर बनने का सपना देखने वाला हर गायक गाना गाने जाता है, लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनमें से विनर बस एक ही होता है, और जिसकी आवाज सबसे अच्छी होती है, क्या बस उसी की कोशिश सबसे अच्छी होती है? तो आपको क्या लगता है, वो ही इस दुनिया में सबसे बेस्ट सिंगर है? यूट्यूबर पर काफी ऐसे फेमस चैनल है जिस पर योगा सिखाया जाता है, क्या एक वही है जिसे योगा के सभी चीजों की नॉलेज है और कई बार इन सवालों का जवाब होता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसी कई अनगिनत लोग हैं
जिनके पास उनसे ज्यादा उनसे अच्छी नॉलेज है, पावर है, टैलेंट है, लेकिन वो हिडन है, छुपा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो उनसे भी कामयाब है वो उनसे पीछे हैं? ईश्वर ने उन्हें क्यों नहीं चुना? तो दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। जाहिर है कि हम सब अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम सब अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हम ये भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ ऐसा हो कि हमें पता चले कि यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशंस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, या हमारी प्रार्थना में मांगी गई चीज को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, हमारी मैनिफेस्टेशंस में हम एक शक्ति से ही अपनी चीज मांगते हैं, जिससे हम ये आशा करते हैं कि वो हमारी मैनिफेस्टेशंस को स्वीकार करें, अलाउ करें और उसे रियलिटी में बदल दें। हम कई बार अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत बार नहीं भी होती है। अब आप कहेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा बस आपके साथ नहीं है। यहां कुछ और भी है जो इन सब चीजों पर राज करता है, जो मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा बस आपके साथ है। हम सब एक हैं, ऐसा किसी के भी साथ होना नेचुरल है। और हम इसे और गहराई से समझते हैं तो कि हम वो कैसे बन सकते हैं जिससे यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करे, हमारी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करे, उसे रियलिटी में बदल दें। और इसके लिए मैनिफेस्ट स्टेशंस की अलग अलग टेक्निक्स को भी फॉलो करते हैं। लेकिन वह चीज जिसके बिना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह सकती है, वह है आपकी क्षमता का आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ना होना। अगर आप आपके सपनों को आपके मैनिफेस्ट स्टेशन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं होगी, तो वो चीज आपको कैसे मिलेगी? यानी अगर आप खुद को उस काबिल बना लें कि जो चीज आपने मांगी है आप उसे संभाल पाए, आप उसके सक्षम हो जाए, तो जब जब यूनिवर्स देखता है कि अच्छा, मेरा बच्चा ये चीज चाहता है, और क्या बात है, वो इसके लिए पूरी तरह से कैपेबल है, सक्षम है, योग्य है, तो आप उसकी पर है और वो चीज किसी भी तरह यूनिवर्स आप तक पहुंचा कर रहेगा। जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट करेगा। लेकिन उस टेस्ट को देने के लिए अब हम खुद को तैयार कैसे करें? तो दोस्तों, इस टेस्ट में पास होने के आपको शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों में संतुलन और हमारे विचार मस्तिष्क और वाइब्रेशन और एनर्जी को इन तीनों चीजों से कनेक्ट करना होगा। अब हम ये सारी चीजें अलाइन कैसे करते हैं, यानी कैसे हम इन सबको संतुलन में लाकर कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, उन्हें फील करते हैं, तो एक तरह से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और अपने विचारों के साथ इन सबको मिलाते हैं। और आप नहीं जानते, इस प्रैक्टिसेस के दौरान आप यूनिवर्स के टेस्ट में भी परफॉर्म करते हैं। यही आपकी तैयारी है यूनिवर्स के टेस्ट की। जिस तरह हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स पर मॉनिटर करते हैं, ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी हमें मॉनिटर करता है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए तैयार है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और लोग आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो आप उन बहुत सारे लोगों में से एक व्यक्ति को कैसे चुनेंगे? तो जिसकी क्वालिफिकेशंस सभी लोगों में बेस्ट हो, या आप उसे चुनेंगे जो उन सब में सबसे ज्यादा मेहनती हो, या फिर उसे जिनमें ये सारी चीजें हो, लेकिन इसके अलावा उससे एक ऐसी वाइब्रेशन फीलिंग आए जिससे पता नहीं क्यों आपको वो इंसान परफेक्ट लगे। फिर बेशक अब चाहे उसकी क्वालिफिकेशंस बाकियों से कम हो, मगर आप बस यह कहेंगे कि पता नहीं क्यों वह इस पोजीशन के लिए बेस्ट लगा, परफेक्ट लगा, क्योंकि ये वो फीलिंग है और यही वो तरीका भी जिससे आप खुद को डिवाइन के टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते उस डिवाइन के लिए जब आपके सामने कोई नहीं होता? ठीक वैसे ही जैसे इंटरव्यू में उस व्यक्ति ने अपने आप को सबसे बेस्ट शो किया। हम खुद को यूनिवर्स के सामने बेस्ट दिखाते हैं, और आप खुद को बेस्ट कैसे शो करेंगे? यूनिवर्स आपसे आशा करता है कि आप हमेशा रियल रहे, आप में वो क्वालिटीज हो
जिससे आप एक अच्छे इंसान लगे। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपके मैनिफेस्ट स्टेशन के लिए आपको क्वालिफाइड बनाती है। अपने चीज को पाने के लिए क्या आप पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आपने सचमुच वो इच्छा शक्ति है? ये आप किस हद तक उसे पाना चाहते हैं? पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज कि कितने सिस्टम्स हैं अपनी अप्रोच के प्रति, यानी कितनी शिद्दत से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए वो चीजें कर रहे हैं। तीसरी चीज है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। क्या आप खुद के लिए, जिनके आसपास आप हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन बिताते हैं, जिन्हें आप रास्ते में मिलते हैं, क्या उन सब लोगों के प्रति आप रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं? और इसके अलावा क्या आप उन सब की प्रति विनम्र हैं? क्योंकि यूनिवर्सल पावर्स हमेशा आपके काइंडनेस और आपकी अच्छाई को अट्रैक्ट करती है। आपका गुस्से में चिल्लाना, लोगों को गलत बोल ना अपशब्दों का इस्तेमाल करना, और यूनिवर्स को भी गुस्से में रिस्पॉन्ड करना कि मुझे मेरी चीज क्यों नहीं दे रहे हो, ये सब गलत है, जो कि क्योंकि खुद प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। फलों से भरा हुआ वृक्ष झुककर सबको मीठे फलों का आनंद लेने को प्रेरित करते हैं, वो हमें झुकना सिखाते हैं। तो इसीलिए आप जितना हो सके खुद को अच्छा बनाए, सभी के साथ अच्छे से पेश आए, और हमेशा इस डिवाइन के प्रति ग्रैटिट्यूड रहे। आपको जल्दी ही उन सारे चीजों मिलना शुरू हो जाएगा जिसके आप इच्छा रखते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट्स जरूर करना। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। जय श्री राम।